हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं बड़ा इमाम बड़ा। एंड गाइस, हियर वी आर वेटिंग फॉर ओला। गाइस, ओला आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं अभी आपको शॉप दिखाती हूँ अंकल का। इनका कपड़ा का दुकान है। सो गाइज, ये है घर और शॉप एंड घर एक में ही है। एंड गाइज, ये रहे मेरे अंकल। ये आपके मतलब की चीज दिखाया हूं। और जितना आप देख लो, इसके आगे कोई बच्चा नहीं आएगा। एकदम जबरदस्त आइटम दिखाया हूं। एकदम जबरदस्त, पूरा पूरा काम आएगा। Hey guys, हम लोग घर से निकल चुके हैं एंड 30 मिनट लगेंगे हमें। सो चलते हैं। गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं बड़ा इमाम बड़ा यानी भूल भुलैया, और यह इंटर गेट है। बहुत ही बड़ा है एंड बहुत ही खूबसूरत है। तो ये भूल भुलैया का बाहर का व्यू आप देखो, इतना खूबसूरत है ना गाइस, आई कांट एक्सप्लेन यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, आप यहाँ कभी भी जाते हो घूमने तो आप शॉर्ट्स पहन के बिल्कुल नहीं जाना, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था और मैं शॉर्ट्स पहन के चली गई थी। सो मुझे चेंज करना पड़ा और फिर मुझे एंट्री मिली। सो इस बात का जरूर ध्यान रखना, कहीं भी मेंशन नहीं की गई है। एंटर कर चुके हैं हम लोग भूल भुलैया के अंदर और मैं आपको पूरा अंदर का व्यू दिखाती हूँ। नवाबों का शहर कहे जाने वाले लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में शुमार बड़ा इमाम बड़ा को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण नवाब असफ उद्दुल्ला ने 1784 में कराया था। एज यू कैन सी, इट्स रियली ब्यूटीफुल गाइस। देखो ये मेरे काम का है, वो नहीं कर पाएंगे बेटा, हम तो थक जाएंगे। चलो आओ, इधर आओ, आओ गोद में। अगर आप जिसके लिए खरीदा है तो वो ना पूछा तो फिर फायदा क्या? किसके पास ज्यादा ताकत है? चलो ताकत देखिए, ताकत ताकत देखिए। कैसे मालूम चले हम लोग यहाँ पे? हम लोग राजा यहाँ पे राजा को मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम पानी का है? घर जाएंगे ऊपर, पानी ये गेट, ये मेन गेट है राजा का। भैया मेरा स्लो मोशन वीडियो
अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा देखने में वीडियो, यही फोटो बहुत अच्छी है। वो बताएंगे सब बताएंगे। दोनों की जो रियल मजार है वो अंदर 14 फीट नीचे बेसमेंट में अलग अलग है। नवाब आसिफ उद्दौला बहादुर और उनकी वाइफ शमशुन्निसा दोनों की ये कब्र बनी है। ऊपर से देखिए उनका नाम भी लिखा हुआ है, नवाब आसिफ उद्दौला बहादुर सनफ शुजाउद्दौला बहादुर उनके पिता का नाम। नवाब आसिफ उद्दौला की माँ का नाम बहू बेगम था। और ये शीशे में जो ताज देख रहे ना, ये उनकी यादगार में रखा हुआ है, नवाब आसिफ उद्दौला का कैफे। नवाब साहब की लाइफ 49 49 साल जीवित रहे थे आसिफ। ये मॉन्यूमेंट साइंस एंड आर्किटेक्चर का एक अजूबा है, आप किसी के भी साउंड 100 मीटर की दूरी पे सुन सकते हो। सो गाइस चलिए और आगे देखते हैं एंड और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। आप इस ब्लॉग को काफ़ी इंजॉय करने वाले हो गाइस, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके अंदर जो है इतने बड़े ईंटे होते हैं जो पत्थर का ब्रिक्स पत्थर बोल सकते हैं, और हिंदी में बहुत याती लैंग्वेज में बोलेंगे तो लखौरी ईंट भी कह सकते हैं। लखौरी के माने होता है लाखों की तादाद में जो पत्थर लगाया गया, इससे बिल्डिंग को बनाया गया है। तो ये हमने आपको बताया था कि इतनी मोटी दीवारें हैं। अब इसका वजन कैसे कम होगा, तो दीवारों में 1024 रास्ते बनाए गए थे। भूलभुलैया सोच के नहीं बनाई गई थी, भूलभुलैया वेट कम करके बनाई गई वजन बिल्डिंग का लोहानी इसके अंदर। अपने टिकट निकाल लिया, हम बाहर से चलेंगे भूलभुलैया। उस जमाने में अगर बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था तो लखनऊ के अलीगंज के एरिया में एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया था, तो लोग दर्शन करने जा सकते हैं, इसलिए लोगों में एकता बना रहे, अमन और शांति का एक मैसेज था। लखनऊ में और या कहीं पर भी जो बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, ये आखिरी बादशाह जो बाजी अली शाह अंग्रेज जिनको यहाँ से ले गए थे कैद करके, उन्हीं ने कायम किया था वो बसंत पंचमी का त्यौहार। उस ज़माने में गोमती नदी के अंदर 250 स्टीमर जिस पे लोग जाके सैर कर सकते हैं पानी में, वो छुड़वाया था ताकि से लोग त्यौहार मनाए सकते। गाइस हम लोग इसके अंदर बैठने वाले भैया, देख सकते हैं हम लोग कहाँ बैठे हैं। भैया से बोलते हैं फोटो शूट करें, वहां से खड़े होके हम लोग का पूरा भैया फोटो खींच दो। अभी चलेंगे आप, चलो एक साइड हो जाइए। ठीक है, ये बिल्डिंग की पहली सुरंग है जिसकी लंबाई 330 फीट है। 330 फीट दीवारों में खड़े हैं। एक साइड होइए, एक रास्ता छोड़िए, एक साइड छोड़िए। और पहला मोनूमेंट जो दिखाएंगे पैदावार से सुरंग है, यही है सुरंग। सब लोग आते रहिए, जो पीछे खड़े हैं उनको हम दिखा कर चलेंगे। जो लोग पीछे खड़े हैं उनको दिखा कर चलेंगे, रुक जाइए वहीं पे।
देखिए सन 1773 में इतिहास बताते थोड़ा सा कि सन 1773 में कुछ रास्ते देखिए ओरिजिनल बनाए गए थे जो सुरंग के रास्ते फैजाबाद दिल्ली आगरा के लिए थे जो 1857 में अंग्रेजों के जाने के बाद बंद कर दिए गए थे। अंग्रेजों की सेना लौट के नहीं आई थी, ये रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया 1857 में। जो अंग्रेजों की डेड बॉडी मिल गई थी लखनऊ के दिलकुशा गार्डन में समाधि बनाई गई थी, बाकी जिन नहीं मिले थे तो गुमशुदा करार रास्तों को बनाकर भूलभुलैया कह के बंद कर दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लाइब्रेरी भी कह सकते हैं जो बाहर लिखा हुआ, हिंदी में इसको भूलभुलैया कहते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जो बने जमीन के अंदर के चार रास्ते जो बंद कर दिए गए हैं 1857 के दौर में। एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़िए, देख के आइए पीछे वाले चोर दरवाजा। गाइज अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे आए हैं एंड यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोगों को बहुत ही मजा आ रहा है। ब्रेक मिला लेफ्ट में आइए, लेडीज लोग आगे आ जाइए, आओ भैया यही खड़े रहिए आप लोग, यहीं पे आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट आया इधर साइड में, देखिए दीवारों में जो आवाज देंगे हम आपको वो 40 फीट की दूरी से देंगे, ठीक है। जिस तरीके से गाइड करके आवाज अभी बता रही, ऐसे धीरे से बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे 40 फीट की। अभी आप बहुत ही अमेजिंग मैजिक देखने वाले हो तो बिल्कुल शांत हो जाओ और या फिर ईयरफोन लगा लो क्लियर साउंड सुनने के लिए। तो जो हमारे गाइड है वो 40 मीटर दूर चले गए हैं और वहां से कुछ भी बोलेंगे जो हम इजीली सुन सकते हैं। कान लगाइए, आ रही है आवाज, आ रही है वन मिनट रुको भाई चुपो, बाकी भी आ रही है। माय गॉड सच्ची में आ रही है यार, गाइस ये बहुत दूर गए हैं और फिर वहां से बोल रहे हैं आवाज आ रही है। गाइस यू कैन सी दिस, इट इज सो अमेजिंग। गाइज हम लोग भूलभुलैया के अंदर आ चुके हैं, घूम भी लिए, थर्ड फ्लोर था यहाँ पे, हम लोग तीनों फ्लोर घूम लिया है एंड अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। ट्रेन है 786 लिखा है दरवाजे पे। अच्छा वो गाइड थे, उन्होंने कहा कि आपको दैट मींस हम लोगों को उनको अब ले जाना है नीचे, तो हम लोग देखते हैं ले जा पाते हैं या नहीं। बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे, बहुत सारे, तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं यार कि कौन सा रास्ता सही है यहाँ से। यहाँ पे एक सीढ़ी है तो हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से नीचे, हम लोग कूदने वाले नहीं, कूदेंगे नहीं, नहीं कूदना, आराम आराम से निकलो, ठीक है। आइए बेटा, कूद सकते हो, कूद नहीं नहीं, अब हम लोग इधर जाए। OMG गाइस आपको दिखाती हूँ मैं, चल इधर कहाँ गए, कहाँ गए, इधर क्या है, इधर खाली समय है, अभी हम जा रहे हैं नीचे और देखते हैं हम लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं या नहीं जिस रास्ते से हम लोग ऊपर गए थे। आई डोंट थिंक सो कि वो रास्ता है, बट ये रहा चला लेते तनी आसासी लगे, देखते हैं गाइस वो रहा चलो तनी घूमते हैं, इसीलिए भटकेंगे थोड़ा सा कि ये चार रास्तों में हम खड़े लेकर आपको इसीलिए हम लेकर यहाँ पे रुके हैं। अब यहाँ से एक रास्ता सही है, तीन रास्ते गलत है, अपने अपने रास्ते को चॉइस कर लिए या एक साथ ट्राई कर लिए, ठीक है। सब लोग रास्ता ढूंढिए, हम यहीं पे खड़े हैं, 786 वाला गेट ढूंढना है। ओह माय गॉड, चार रास्ते मिले हैं, उसमें से एक राइट है और थ्री रॉन्ग है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए ढूंढना, उन्होंने बोला कि यहाँ पे चार रास्ता है जाने का और तीन गलत है और एक सही है। सो गाइस हम देखते हैं ढूंढ पाते हैं या नहीं,
सो हम देखते हैं यार कि जिस रास्ते से हम लोग ऊपर गए थे उस रास्ते से हम वापस जा पा रहे हैं या नहीं। ऊपर का रास्ता, ये तो ऊपर का रास्ता है। OMG, हम कहाँ चले गए? ये रास्ता गलत है।